नमस्कार, मैं अनिल दादिच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। पिछले जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे उसमें बीएससी पार्ट सेकंड के जूलॉजी के पेपर फर्स्ट में जो यूनिट थर्ड है उससे संबंधित वीडियो थे, और उसमें हम उस यूनिट को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर टाइप स्पेसिमेन के रूप में आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इस यूनिट में जो टाइप स्पेसिमेंस हैं उनमें पेलीमॉन, पेलेमिनियस, पेरीप्लेनेटा, टिड्डा या लोकस्ट, एपिस या मधुमक्खी तथा ओनाइकोफोरा से संबंधित पेरीपेटस के बारे में हमें बात करनी है। ये जो टाइप स्पेसिमेन हैं उनमें हमें इनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी और उनके लाइफ साइकिल तथा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले हम जो टाइप स्पेसिमेन ले रहे हैं वो पेलीमॉन, जिसे अपन इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। पेलीमॉन के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले उसकी सिस्टेमेटिक पोजिशन, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, सिस्टेमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थान में हम लीनियर हायरार्की या लीनियस के द्वारा पदानुक्रम जो दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग यदि इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। संघ आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि संधित उपांग इनके अंदर पाए जाते हैं। ये जॉइंटेड अपेंडेजेज या संधित उपांग वाले जंतु जो आर्थ्रोपोडा में शामिल किए गए हैं ये जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह बनाते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा में लगभग 12 लाख जातियां शामिल हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जंतु जगत में ये सबसे बड़ा समूह या संघ माना जाता है। इस संघ में सबसे बड़ा वर्ग जो माना जाता है वो इंसेक्टा या कीटों का माना जाता है, जिसके अंदर लगभग 8.5 लाख जातियाँ शामिल हैं। अकेले कीटों की ये जो जातियाँ हैं उनमें आधी से ज़्यादा जातियाँ यानी लगभग 5 लाख जातियाँ बीटल्स या भृंगों की मानी जाती हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद में इसका जो उपसंघ दिया गया है वो मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा से तात्पर्य है कि जिसके अंदर चेविंग और बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स या मुखांग पाए जाते हैं, यानी जो चबाने और काटने वाले मुखांग जिनके अंदर पाए जाते हैं उन्हें उपसंग मैंडिबुलेटा में शामिल किया गया। इसी उपसंग में हम ये कह सकते हैं चूँकि इंसेक्टा वर्ग को भी शामिल किया गया है तो ये उपसंग जंतु जगत का सबसे बड़ा उपसंग माना जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि उपसंग जो वर्ग इंसेक्टा है वो वर्ग इंसेक्टा में लगभग 5 लाख जातियाँ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जातियों की संख्या की दृष्टि से उपसंग मैंडिबुलेटा सबसे बड़ा उपसंग माना जाता है। उसके बाद में हम ये कहें कि वर्ग क्रस्टेशिया की जो क्रस्टेशिया शब्द या वर्ग क्रस्टेशिया जो है वो लैटिन वर्ड क्रस्ट से बना होता है, जिसका अर्थ होता है हार्ड सेल। इन जंतुओं के शरीर के चारों तरफ कठोर आवरण पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है, और इस कठोर आवरण या सेल के कारण ही इनको क्रस्टेशिया शब्द क्यूवियर के द्वारा दिया गया। उसके बाद में गण डेकापोडा, हम कह सकते हैं कि ऑर्डर डेकापोडा, डेका मन 10 और पोडा मन पैर, तो हम ये कह सकते हैं जिनके अंदर 10 जोड़ी पैर पाए जाते हों उनको हम डेकापोडा के नाम से जानते हैं। इसी में हम क्रेब या केकड़ा जैसी प्रजातियां उनको भी हम शामिल करते हैं। उसके बाद में हम इसके वंश की बात करें तो पेलीमॉन और इसकी जाति मेलकॉम सोनाई जो जाति है वो मानी जाती है। बहुत सारी जातियाँ झींगे की भारतवर्ष में पाई जाती हैं, और ये लंबाई में और हम कह सकते हैं कि हैबिटेट में वेरी करती हैं। कुछ जो जातियाँ झींगे की भारतवर्ष में पाई जाती हैं उसमें पेलीमॉन कार्सिनस, पेलीमॉन आईडी, इसके अलावा पेलीमॉन लेमेरी, पेलीमॉन मालकॉम सोनाई जो हम जाति जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये जातियाँ भारतवर्ष में पाई जाने वाली सामान्य जातियाँ हैं वो मानी जाती हैं। आजकल पेलीमॉन के स्थान पर मैक्रोबियम वर्ड
या मैक्रोबियम शब्द का यूज किया जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पैलिमोन की जगह मैक्रोबियम मालकोम सोनाई जो नाम भी इसका लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर हम पैलिमोन शब्द से ही परिचित हैं, इसलिए मैक्रोबियम के स्थान पर हम पैलिमोन शब्द का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लोकप्रिय है और ज़्यादा उपयोग में आने वाला शब्द है। वर्गीकृत स्थान या सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद में थोड़ा सा इसका परिचय और दें। यदि तो हम क्रस्टेशिया की तो बात कर ही चुके हैं कि क्रस्टेशिया शब्द कैसे बना या क्यूवियन ने इस वर्ड का क्यों यूज किया। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि पैलिमोन की ज़्यादातर जातियाँ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन इसकी एक जाति पेनियस इंडिकस भारतीय समुद्री जल में भी पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर के अलावा ये मैराइन वाटर या सी वाटर के अंदर भी ये पाया जाता है। इसके अलावा एक शब्द प्रॉन कल्चर या झींगा संवर्धन, झींगा पालन के लिए किया जाता है। झींगे का संवर्धन या कल्चर इसलिए किया जाता है कि भोजन के रूप में इसे विश्व भर में खाया जाता है और ये प्रोटीन और ग्लाइकोजन उसका रिच सोर्स होता है। इसके अलावा ये मुर्गी पालन में इसकी जो चूर्ण या इसका जो पाउडर होता है उसकी गोलियां मुर्गियों को खिलाने में प्रयुक्त की जाती है। और भी झींगे के उपयोग है, इसलिए इसकी उपयोगिता की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने के कारण इसका कल्चर किया जाता है और इसे अपन प्रॉन कल्चर कहते हैं। इकोनॉमिक जूलॉजी में हम अगली साल इस प्रॉन कल्चर के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम और एक बात करें कि झींगे के ऊपर मेमोयर या मोनोग्राफ या आप कह सकते हो कि एक कथानक जिसे आप कह सकते हो कि झींगे के ऊपर लिखा गया है, और ये एस पटवर्धन के द्वारा ये मोनोग्राफ जो है वो झींगे के ऊपर लिखा गया, जिसका प्रकाशन 1937 में इंडियन जूलॉजिकल मेमोयर्स में एक जो सीरीज़ थी उसमें इसका प्रकाशन है वो किया गया। तो ये सामान्य सी बातें जो प्रॉन के बारे में हैं उनके बारे में हम चर्चा करने के बाद में आगे यदि अगली स्लाइड में हम बात करें तो उसके जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं वो पॉइंट्स उसमें जो है वो लगभग 15 पॉइंट्स में ये पूरा टॉपिक है वो बांटा गया है। उन्हीं पॉइंट्स में या उन्हीं बिंदुओं में हम सबसे पहला बिंदु यदि उठाते हैं तो हैबिट्स एंड हैबिटेट, यानी आवास और स्वभाव। हैबिट यानी स्वभाव का मतलब कि ये जंतु रात्रिचर है या दिनचर है। तो हम ये कह सकते हैं कि रात्रिचर और दिनचर जंतुओं में फ़र्क ये है कि जो अपने दैनिक क्रियाक्रमों की सक्रियता दिन या रात में दिखाते हैं उसके आधार पर हम उनको रात्रिचर और दिनचर जंतु के नाम से जानते हैं। और झींगे के बारे में कहा जाता है कि ये नॉक्चुरनल या रात्रिचर जंतु है, यानी ये दिन के अंदर पानी की तली में छिपा रहता है और रात के समय ये वॉकिंग करता है या तैरता है, दोनों क्रियाएं ये रात के वक्त करता है, इसलिए ये रात्रिचर जंतु माना जाता है। फिर उसके बाद में एक शब्द कि ये ओमनिवोरस या सर्वाहारी है। सर्वाहारी या ओमनिवोरस शब्द से तात्पर्य है कि जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो। झींगा या प्रॉन एल्गी और मॉसेज ये प्लांट्स खाता है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स और इसके अलावा जो अन्य जंतु है उनके जो अवशेष या जो उनका मलबा होता है मृत जंतुओं का उनको भी ये खा सकता है। तो ना तो ये शाकाहारी है, ना ये मांसाहारी है, ना ये मृतोपजीवी है। चूँकि तीनों प्रकार के न्यूट्रिशन या पोषण इसमें पाए जाते हैं इसलिए इसको ओमनिवोरस या सर्वाहारी के नाम से जाना जाता है। झींगा पानी के नीचे जमीन या सरफेस के ऊपर अपने वॉकिंग लेग्स की सहायता से या चलन टांगे जो इसकी होती हैं उसकी सहायता से ये वॉक कर सकता है। इस चित्र में जो आगे की तरफ आप ये देख रहे हैं ये इसकी वॉकिंग लेग होती है, इन वॉकिंग लेग या चलन टांगों की सहायता से ये वॉक कर सकता है। फिर इसके पिछले भाग में आपको ये 5 जोड़ी इस तरह से ये निकली हुई जो संरचनाएँ दिखाई दे रही है जिन्हें अपन प्लियोपॉड या प्लवनपाद के नाम से जानते हैं। ये प्लियोपॉड या प्लवनपाद है, उनकी सहायता से
झींगा पानी के अंदर तैर सकता है, तो ये तैर भी सकता है और चल भी सकता है। इसका जो लास्ट सेगमेंट जिसे अपन कह सकते हैं कि यूरोपॉड, इसकी सहायता से ये पीछे की तरफ जंप कर सकता है, यानी इसको जब छेड़ा जाए या डिस्टर्ब किया जाए तो ये उछल करके पीछे की तरफ हो जाता है इन यूरोपॉड्स की सहायता से। तो ये वॉक कर सकता है, स्विम कर सकता है और जंप कर सकता है, ये इसकी आदत होती है। इसके अलावा एक वर्ड दिया गया है स्वंगोच्छेदन, ऑटोटोमी। स्वंगोच्छेदन या ऑटोटोमी का तात्पर्य होता है अपने शरीर के किसी ऑर्गन को स्वतः खुद ही तोड़ करके अलग कर देना। आपने एक सामान्य उदाहरण घर में पाई जाने वाली छिपकली का देखा होगा कि जब आप छिपकली के पीछे झाड़ू लेके भागते हैं उसको मारने के लिए, तो अपनी पूंछ को तोड़कर गिरा देती है। पूंछ को तोड़कर गिराने की ये जो घटना है ये ऑटोटोमी के अंतर्गत आती है, ये अपने बचाव के लिए ऐसा करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि झींगे के लिए भी ये ऑटोटोमी या स्वंगोच्छेदन जो होता है वो अपने बचाव के लिए है। और चूंकि ये इसलिए पाई जाती है घटना कि इनके अंदर रीजनरेट करके वो अपने पार्ट्स को या शरीर के इन हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑटोटोमी या स्वंगोच्छेदन की घटना पाया जाना इनके जीवन की सामान्य घटना जो मानी जाती है, जो शत्रुओं से बचाव के लिए प्रयुक्त की जाती है। आप लोगों ने इसी से मिलती जुलती घटना एविश्रेशन के बारे में समुद्री खीरों में पढ़ा होगा कि समुद्री खीरों के अंदर अपनी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल को ज़रूरत पड़ने पर त्याग दिया जाता है। ये घटना एविश्रेशन के नाम से जानी जाती है, जो कुछ हद तक ऑटोटॉमी से मिलती जुलती घटना होती है। झींगों के अंदर नर व मादा है वो अलग अलग प्राणी माने जाते हैं, और नर और मादा में जो फ़र्क होता है कि नर के अंदर ये चिमटे नुमा एक लंबी टांग आप देख रहे हैं जिसको मैं एन सर्कल कर रहा हूँ, वो नर में पाई जाती है, मादा में ये टांग नहीं पाई जाती। स्केलेट लेग का पाया जाना हम ये कह सकते हैं जिस झींगे के अंदर होता है वो नर झींगा या मेल प्रॉन है वो माना जाता है। झींगों के अंदर नर व मादा अलग अलग होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सामान्यतः जनन की क्रिया मई से जुलाई तक ये जनन की क्रिया है वो इनकी मानी जाती है। तो ये इनके हैबिट और हैबिटेट में यानी आवास और स्वभाव के बारे में जब बात की जाती है तो इनमें जो मुख्य पॉइंट्स या मुख्य बिंदु जो हैं, एक तो ओमनिवोरस कि सर्वाहारी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी बात यूरोपॉड्स क्या होते हैं या यूरोपॉड्स की सहायता से ये क्या कर सकता है। यूरो वर्ड जो होता है वो जनरली टैल के लिए यूज किया जाता है, यूरो माने टैल और यहाँ पॉड्स माने पैर, अर्थात वे पैर जो पूंछ वाले भाग में पाए जाते हैं यानी पीछे की तरफ पाए जाते हैं उनको अपन यूरोपॉड्स कहते हैं। प्लियो का मतलब होता है स्विमिंग, तो स्विमिंग के लिए जो पैर होते हैं उन्हें प्लियोपॉड्स कहते हैं। और तीसरी जो टांगे होती है वॉकिंग लेग, तो ये तीन प्रकार की टांगे इनके अंदर पाई जाती है, उसमें से यूरोपॉड और प्लियोपॉड में अंतर आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऑटोटॉमी या स्वंगोच्छेदन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आवास और स्वभाव में इन पॉइंट्स में हमें फोकस करना है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो मॉर्फोलॉजी का पॉइंट है कि मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। मॉर्फोलॉजी या आकारिकी का अर्थ है कि उसकी शेप एंड साइज, दिखने में बाहर से वो जंतु कैसा है, उसकी शेप एंड साइज, आकार आकृति उसकी कैसी है वो। इसके अलावा बाहर शरीर में जो बाहरी तौर पे पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं उन संरचनाओं के बारे में हम मॉर्फोलॉजी या आकारिकी में पढ़ते हैं। इसके विपरीत एनाटॉमी या शारीरिकी में हम उनकी आंतरिक संरचनाएं जो होती है या इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। यदि मॉर्फोलॉजी या आकारिकी में सबसे पहले यदि आप बात करें तो साइज की बात करें कि सामान्यतः झींगे की जो साइज़ होती है वो 25 से 40 सेंटीमीटर लगभग साइज कॉमनली मानी जाती है इसकी। अब इसमें कुछ जातियां झींगे की जो जाइंट प्रॉन के नाम से या दैत्य झींगों के नाम से जानी जाती हैं उनमें से एक जाति है पेलीमॉन कार्सिनस। ये जो जाति होती है वो लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी जाति है वो मानी जाती है या स्पीसीज है वो होती है। इसी तरह सबसे छोटी जाति या स्पीसीज में पेलीमॉन लेमेरी जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होती है वो स्मॉलेस्ट स्पीसीज है वो मानी जाती है। तो यहाँ पे एक तो लार्जेस्ट स्पीसीज कौन सी है और दूसरी
स्मॉलेस्ट या छोटी से छोटी जाति कौन सी है उसके बारे में। इसके अलावा इसका जो शरीर होता है वो लंबा और स्पिंडल शेप्ड। अब स्पिंडल शेप्ड बॉडी का मतलब होता है कि वो बॉडी जो दोनों किनारों पे नुकीली होती है और बीच में से मोटी होती है, उस बॉडी को हम स्पिंडल शेप बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये स्पिंडल शेप बॉडी इनकी मानी जाती है। और स्पिंडल शेप बॉडी जनरली हम कह सकते हैं कि जो स्विम करते हैं, तैरने वाले जंतु, जैसे अपन मछलियों की बॉडी देखें तो उनकी बॉडी भी स्पिंडल शेप्ड मानी जाती है। वो इसलिए हैं ताकि तैरते वक्त इन्हें कम से कम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर स्पिंडल शेप्ड बॉडी है वो पाई जाती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इनका शरीर जो होता है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। तो बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी जो होती है उसके हम कह सकते हैं कि बाहरी तौर पे दो इक्वल हाउस या दो बराबर भाग किए जा सकते हो, उस बॉडी को हम बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में यदि आप कलर की बात करें झींगे की, कि झींगे का कलर कैसा होता है, तो फ्रेश जो झींगा होगा, फ्रेश वाटर में जो जिंदा झींगा है, वो झींगा या प्रॉन जो होगा वो ग्रीनिश येलो या ग्रीनिश यानी लगभग नीला हरा या हरे रंग का होगा। लेकिन लैब में हम प्रिजर्व्ड एनिमल जो देखते हैं उसका कलर ऑरेंज कलर या डार्क रेड कलर उसका होता है। वो प्रिजर्वेशन के दौरान इसका कलर है वो चेंज हो जाता है। झींगे की बॉडी या शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका शरीर जो दो भागों में बांटा जा सकता है उसमें ये यहाँ तक का भाग और यहाँ तक का ये भाग, तो ये जो दो पार्ट इसके हैं इसमें से ये आगे वाला पार्ट इसका जो है वो सेफेलोथोरेक्स माना जाता है। वर्ड सेफेलोथोरेक्स में सेफेलो का मतलब होता है हेड और थोरेक्स का मतलब होता है वक्ष। तो ये हेड और थोरेक्स जिनमें फ्यूज हो जाए या एक साथ जुड़ जाएं उनको अपन सेफेलोथोरेक्स कहते हैं। क्रस्टेशिया और इंसेक्टा में यही फ़र्क है कि क्रस्टेशिया के जंतुओं में जहाँ हेड और थोरेक्स फ्यूज होते हैं, वहीं इंसेक्टा के सदस्यों में हेड और थोरेक्स अलग अलग होते हैं। जो दूसरा पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है ये एब्डोमिनल पार्ट या एब्डोमन। तो सेफेलोथोरेक्स और एब्डोमन दो पार्ट प्रॉन के अंदर पाए जाते हैं। एब्डोमन या उदरीय भाग में लगभग हम कह सकते हैं कि प्लियोपॉड और यूरोपॉड ये माने जाते हैं। यदि हम ये कहें कि सभी ये जो दो सेगमेंट्स हैं इनके अंदर जो अलग अलग आप देखें तो 19 खंड पाए जाते हैं। उन 19 खंडों में से सेफेलोथोरेक्स वाले भाग में लगभग 13 सेगमेंट या 13 खंड इसके अंदर पाए जाते हैं। इन 13 खंडों में हम ये कह सकते हैं कि 5 तो हेड के होते हैं या सिर वाले भाग के होते हैं और 8 खंड जो होते हैं वो वक्षीय भाग के होते हैं। तो 8 और 5 ये दोनों संख्या यदि हम जोड़ें तो 13 सेगमेंट्स या 13 खंड होते हैं, ये मिलकर के यहाँ सेफेलोथोरेक्स की रचना करते हैं। और इस सेफेलोथोरेक्स में कौन कौन से अपेंडिजेज पाए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में पीछे वाले जो एब्डोमन पार्ट में या उदरीय भाग में जो सेगमेंट्स या खंड होते हैं इनकी संख्या हम कह सकते हैं कि 6 है। और ये 6 उदरीय खंड में जो पहले 5 उदरीय खंड है इनमें प्रत्येक उदरीय खंड में एक एक जोड़ी प्लियोपॉड पाए जाते हैं। लास्ट है उदरीय खंड, उसमें अपन कह सकते हैं कि यूरोपॉड है वो है पाया जाता है। इसके अलावा झींगे का सेफेलोथोरेक्स आगे की तरफ झुका होने के कारण ये जो पूरा का पूरा जंतु है वो दिखने में कोमा की आकृति जो होती है वो वैसा दिखाई देता है। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगले जो वीडियो डाले जाएंगे उन वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा करके इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है उसके बारे में फिर से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।